नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मेरठ में कोविड सैंपल कलेक्शन सेंटर पर कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो के अनुसार मरीज के साथ मौजूद परिजन ने कैबिन में खड़े होकर खुद ही सैंपल लिया और लापरवाही के साथ डेस्क पर रख दिया। कोविड सैंपल देने के बाद वहां से रवाना हो गए। मेरठ से अरुण कुमार की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर वीके सिंह, फुल ओपीडी इंचार्ज, मीटर वार्ड इंचार्ज हूँ। डॉक्टर, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति द्वारा एक लड़की के कोरोना टेस्ट में लापरवाही का एक वीडियो वायरल हुआ, क्या पूरा मामला, कौन है व्यक्ति, क्या प्रोफाइल है? ये व्यक्ति लेफ्ट हैंड में सभी मरीजों को अपने हाथ से लेते हैं, पर कभी कभी पेशेंट लेडीज और जो गर्ल्स होती हैं वो अपने आपको वोट डालने देती हैं, जैसे डाल के पीछे हो जाती हैं। फिर पेशेंट ने कहा, सर हमें देखो, अब तो हम पहले भी कई बार करा चुके हैं, हमें पता है अंदर से कहीं डाल के लेना है। तो उसी टाइप का पेशेंट है, उसने अपने आप ले करके अपने आप कोश करके, क्योंकि पहले भी देते रहे हैं मरीज, उनको आइडिया हो गया है। तो टेंशन उसमें वो नहीं है, कभी वो टेंशन जब वो एक दो बार करने की कोशिश करता है तो पीछे जाता है पेशेंट, तो उसके बाद दिक्कत आती है। तो पेशेंट स्वयं अपने आप लेने की कोशिश करता है। नहीं, लापरवाही पेशेंट को देना, उसको देना नहीं चाहिए इस तरह से, ये गलत है उसका। अभी हमने उसको एक्सरे में कॉल करने के लिए उसको भेज दिया है जिसकी ड्यूटी में हुआ है, पर उसने ये बताया था इसलिए इस टाइप की पेशेंट थी, उसने दो बार लेने के बाद भी हट गए पीछे को, उसने अपना लेने दिया। इस टाइप के मरीज हैं। उसके गार्जियन ने साथ में लेकर वही लेकर आया, उसको वही लेकर आया। ये तो मैंने अभी इसमें डेट दिखा नहीं पूरा ना, ये तो कल परसों वीडियो होगा, क्योंकि आज तक कोई वो नहीं था। जाँच चल रही है, पता चले कब तक ये कर्मचारी के, फिर जो है प्रधान कार्यालय स्तर पर उसकी कार्रवाई की जाएगी, तो कोई होता है।